विरोधित होने से क्या मतलब है? कार्रवाई से मतलब है। जब देश का प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर सकता तो क्या अमेरिका का या चीन का प्रधानमंत्री आएगा? वहां का राष्ट्रपति आएगा कार्रवाई करने? बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो और प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे। डूब के मर जाना चाहिए आज स्मृति ईरानी को। अगर कल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो ये धृतराष्ट्र बोलता नहीं कल भी। और जो भी बीजेपी को वोट देगा समझ लो वो अपनी बेटियों को मणिपुर की तरह इन बीजेपी वालों के सामने परोस रहा। आदिवासी महिला, उन्हीं आदिवासियों के चक्कर में वो राष्ट्रपति बनी थी और महिला होने के नाते वो बोल नहीं रही है। आगे मुख्यमंत्री ने साफ बता दिया कि ये एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं हैं। मेरे हाथ में पावर नहीं है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज इस देश में ना तो बाल विकास मंत्रालय होता, ना आज महिला आयोग होता, ना आज देश का प्रधानमंत्री होता, ना आज गृह मंत्री होता और ना मुख्यमंत्री होता। इन सब को तिहाड़ जेल में भेज देता। मणिपुर की घटना से इतना आहत हूँ मैं। देखिए, किसान, जवान और मजदूर, इनका तो पहले से एक साथ रहे, तो जब जब इनके ऊपर कोई आंच आएगी ये सब इकट्ठा होंगे। अच्छा, तो इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए, ठीक, चुनाव से पहले 2024 की तैयारियां शुरू हो गई, शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है? इंडिया चक दे, इंडिया चक दे, इंडिया आई लव माय इंडिया। किस तरह से इस प्यार को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? भारत का प्यार जनता के साथ। अच्छा, मतलब वो इंडिया को रट लिया है आप लोगों ने, लग रहा है सिर्फ वो इंडिया ले लिया है और अब उसी पे प्रचार होगा। जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा वो देश का गद्दार होगा। लेकिन वो तो I.N.D.I.A बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ, सरकार की तरफ से और उनके लोगों की। वो देखिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ते कितने भौंकते हैं ये तुमने देख लिया होगा। तो हाथी चल चुका है तो अब कुत्तों को भौंकने दो। अच्छा, हमने देखा जिस तरह से पूरा मामला भी सामने आया है मणिपुर का, बड़ा ही अफसोसनाक मामला है। कल PM ने भी कहा, उसको लेकर एक स्पीच दी, भले ही वो कुछ सेकंड्स की थी लेकिन कहा कि बहुत क्रोधित है उनका मान इस पूरे मामले पर। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, क्रोधित होने से क्या मतलब है? कार्रवाई से मतलब है। जब देश का प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर सकता तो क्या अमेरिका का या चीन का प्रधानमंत्री आएगा? वहां का राष्ट्रपति आएगा कार्रवाई करने? डूब के मर जाना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री को उसी समय जब ये बाई टू ने मिली थी। 18 मई की रिपोर्ट है और आज तक प्रधानमंत्री को पता नहीं है। अगर मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद देता हूँ जिसने इसको देश में वायरल किया, और मैं उस दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे चैन से नींद नहीं आ रही कि जब मेरे देश में इस तरह का बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री चैन से सो रहा है, विदेशी यात्रा कर रहा है और वहां के मुख्यमंत्री ने साफ बता दिया कि ये एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री सैकड़ों बताता हो तो समझ लेना हजारों में होंगी, क्योंकि जीरो सरकार खा जाती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना बख्शा नहीं जाएगा। कब? कल जो स्पीच में उन्होंने यही बात तो कही है कि बख्शा नहीं जाएगा उनको, 140 करोड़ लोग। जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेते हुए तो जनता के सामने आए हैं। तो जिम्मेवारी लेना है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, गृह मंत्री को बर्खास्त करो और प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे। और आज तो मैं राष्ट्रपति के ऊपर भी उंगली उठाता हूँ कि आदिवासी महिला, उन्हीं आदिवासियों के चक्कर में वो राष्ट्रपति बनी थी और महिला होने के नाते वो बोल नहीं रही है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे महिलाओं को, डूब के मर जाना चाहिए आज स्मृति ईरानी को, डूब के मर जाना चाहिए संसद में बैठी महिलाओं को और महिला आयोग को कि वो बोल नहीं रही है। बड़ा ही संवेदनशील ये मुद्दा था और जिस तरह से इस पर अब हमने देखा कि सरकार की तरफ से भी बयान और सोशल मीडिया पर लगातार चीजें आई, लेकिन एक चीज है जिसकी कमी है, वो है कार्यवाही। कार्यवाही इसकी तो बात कर रहा हूँ, कार्यवाही करेगा कौन? प्रधानमंत्री को कल कार्रवाई कर देना चाहिए था, ये प्रधानमंत्री बोलता नहीं। अगर कल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो ये धृतराष्ट्र बोलता नहीं कल भी। एक के बाद एक ऐसा मन को विचलित करने वाली वीडियो जो है वो मणिपुर से हमने देखी और उन तमाम मुद्दों पर चुप रहे उनको, क्या ये ऐसा नहीं कहा जाए कि इस मामले को हो जाने दिया गया, इतना बढ़ जाने दिया गया? ये जानबूझ के कराई गई घटनाएं हैं और इसके लिए देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और वहाँ का मुख्यमंत्री, ये लोग जिम्मेवार हैं। 70 सालों में कहते हैं बहुत कुछ नहीं हुआ, हमने 70 सालों में शायद ऐसा भी कुछ नहीं देखा। बिल्कुल, 70 साल में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी होगी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा।
जैसी ये देखी कि दो महीने से ज्यादा प्रदेश जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है, चुनावी रैलियों में और विदेशी दौरों में मगन है, तो इसे कहते हैं धृतराष्ट्र। विपक्ष ने जिस तरह से नाम दिया है इंडिया, कैसा देख रहे हैं उसको आप? बहुत अच्छा। जिसने भी ये नाम बनाया उसके लिए दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से। और अब देखना, जब ये इंडिया चलेगा तो देश बढ़ेगा, लेकिन और ये इंडिया भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो एनडीए है उसके साथ भी तकरीबन 48 दल जो है गठन, 38 नहीं 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 आप गलत बोल रहे हैं, वो तो अलीबाबा 40 चोर है। अच्छा। 38 वो दल है, एक वो दलाल मीडिया है और एक कॉरपोरेट है, तो 40 वे हो गए और अलीबाबा का 40 अलीबाबा ये है धृतराष्ट्र जो बैठा है और 40 चोर सामने है, तो ये तो अलीबाबा 40 चोर की मंडली है। नहीं, कहीं एक मैसेज ये भी देखने की कोशिश है ना कि अगर विपक्ष एक हुआ है वो 26 है तो हम भी एक है 38 है। सुन, जो उसके साथ 26 दल है मोदी के, उनके टोटल वोट 26 लाख है, और जो इंडिया में है कांग्रेस को छोड़ करके 25 दल है, उनके टोटल वोट 14.5 करोड़ है, तो 14.5 करोड़ से 26 लाख क्या झुनझुना लड़ेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी और खुद बीजेपी के नेतृत्व के जो करोड़ों वोट है उनको शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सी है? बीजेपी के जो वोट है। कौन है? क्या एक तरफा जिनको कहें? कौन है आज वही हिंदुस्तानी? मणिपुर की घटना को देख करके कौन महिला उसे वोट देगी? अगर किसी भी महिला ने बीजेपी को वोट दिया तो समझ लो वो अपनी बेटी की इज्जत लुटवा रही है। बहुत बड़ी बात कर रहा है। और जो भी बीजेपी को वोट देगा समझ लो वो अपनी बेटियों को मणिपुर की तरह इन बीजेपी वालों के सामने परोस रहा है। बहुत बड़ी बात आप। और क्या कहूँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज इस देश में ना तो बाल विकास मंत्रालय होता, ना आज महिला आयोग होता, ना आज देश का प्रधानमंत्री होता, ना आज गृह मंत्री होता और ना मुख्यमंत्री होता। इन सब को तिहाड़ जेल में भेज देता। मणिपुर की घटना से इतना आहत हूँ मैं। पीएम भी कह रहे हैं कि वो क्रोधित हैं। क्या क्रोधित है? हैं? वो भी आहत हुए होंगे ताहिर। नहीं आहत हुआ। अगर आहत होता तो ये बाइट देने से पहले उस मुख्यमंत्री की गर्दन मरोड़ देता। क्यों नहीं मरोड़ी? गृह मंत्री की क्यों नहीं मरोड़ी? गृह मंत्री का काम क्या? आंतरिक सुरक्षा। और जो मैं सुरक्षा दे नहीं पा रहा तो फिर मेरा पद पर रहने का क्या काम? बताओ, पत्रकार हैं आप। और वहां का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैंने इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि वहां की खबर देश की जनता को ना मिल जाए। जिस दिन इंटरनेट खुलेगा उस दिन शायद इस प्रधानमंत्री को सृष्टि पर डूब के मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी घटनाएं वहां हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा भी पेश किया था इन सब हालात में। खुद को कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी माना था, इसलिए इस्तीफा आगे पेश किया था, भले ही वो इस्तीफे की कॉपी सबके सामने आएगी। आप लोग बीजेपी को और आरएसएस को जानते नहीं है। ये आरएसएस की लेबोरेटरी बनाई गई है मणिपुर। और अगर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ना लो? तुम्हारी क्या औकात है? अगर उसने इस्तीफा दिया तो किसने ना लिया? और जिसका उसने इस्तीफा नहीं लिया तो शायद मुख्यमंत्री से ज्यादा वो गुनाहगार है। किसने नहीं लिया? प्रधानमंत्री ने। क्यों नहीं लिया? और जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला? कल क्यों बोला? कि कल सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चढ़ा दिया था इसलिए बोला। अगर कल सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं चढ़ाता तो ये कल भी नहीं बोलता। मणिपुर के हालात पर जिस तरह से कल बयान आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया, उम्मीद है अब चीजें सुधरनी चाहिए। वहां की जनता से मैं अपील करूंगा कि पुराने सारे झगड़े भूल करके आप भारत के नागरिक हो, सब भाईचारे से रहें, इन राजनेताओं के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये आपको लड़ाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे।